चीज़ें ऐसी हैं कि हम जिस ज़िले में आकर के बैठे हैं, जब जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि इसे हम रेड जोन में हमारी केंद्र की सरकार ने ही मान लिया है कि ये बहुत पिछड़े से भी अधिक पिछड़ा हुआ इलाका है। और हम सब लोग इस बात से भी भली भांति परिचित हैं और विदित भी हैं कि अगर हमारे घर में भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं और अगर हम उनको भी थोड़ा जोर ज़्यादा डाल दें कि किसी गांव में जाके सेवा कर लो, शहर की तरफ दौड़ते हैं। बहुत सारे कारण बन जाते हैं अलग अलग किसी भी इस तरीके के काम के लिए, तो सरकार भी प्रयासरत है। अभी जैसे हमने डॉक्टर्स के साथ भी बात करी, डीसी साहब भी यहीं उपस्थित रहे, हम लोगों ने सीएमओ साहब, चंडीगढ़ से भी टीम आई हुई है कि जो जो कमी पेशी हमें यहाँ दिखाई दी, ममन खान जी ने हमें यहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया, इनकी फीडबैक जो डॉक्टर्स की थी वो ली गई, डीसी साहब की ली गई, उसमें जहाँ कोई और बेहतरी की गुंजाइश है उसको सरकार आगे चल के पूरा करेगी। जो हरियाणा विधानसभा की हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी, जिसमें राकेश दौलताबादी जी, नैनपाल रावत जी, जगदीश जी, निर्मला जी और मेरे साथ मुमन भाई और हमारी शैली जी, हम सब लोग आज इस विधानसभा में पहुँचे हैं, नू में पहुँचे हैं। और हमारा विशेष मकसद सिर्फ यही है कि पिछले 2 सालों में हम लोग अलग अलग परिस्थितियों से, बड़ी विषम और कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, खासतौर से हेल्थ को लेके कोरोना के कारण, और उन पर हमारे सभी डॉक्टर्स ने, हेल्थ सेक्टर ने मिल करके, चाहे वो प्राइवेट था या गवर्नमेंट का था, मिल करके एक बहुत अच्छा, मैं कहूँगी, प्रयास किया और बहुत मेहनत से लोगों की मदद करी। और आने वाली तीसरी वेव, जैसे कि कोरोना की कही जा रही है, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आए ही ना, पर लेकिन बात यह, आपको हर घड़ी के लिए तैयारी तो रखनी ही चाहिए। तो कुछ आगे की तैयारियां और कुछ पीछे क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई और उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय किए गए, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा थी। और ख़ास तौर से अगर हम बोलें कि केंद्र की सरकार के मद्देनज़र रखते हुए, आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको ध्यान में रखते हुए जो एक पूरे देश का सर्वे कराया गया, उसमें इस एरिया को रेड जोन में लिया गया है, जिसके लिए माननीय मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और विज साहब भी जो हेल्थ देखते हैं, विशेष प्रयासरत हैं कि इसको बेहतर करें और इसको इस रेड जोन से बाहर निकालें। हम इस ये सारे इलेक्टेड एमएलए तो हैं,